नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही शादी के सपने जरूर देखते हैं। शादी के सपनों के साथ साथ हमेशा वह अपनी शादी की लगन में लगे रहते हैं कि उनकी शादी का नंबर कब आएगा और वह अपनी शादी में कैसे एंजॉयमेंट करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब भी लड़का और लड़की की सगाई हो जाती है तो सगाई होने के बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की तैयारी में कहाँ हनीमून जाना है, कहाँ क्या करना है, या फिर बच्चों की प्लानिंग तक वह व्हाट्सएप पे या फिर अपने फोन चैट पर करते रहते हैं। अक्सर देखा भी जाता है सीक्रेट की बातें सारी शेयर करती हैं, वैसे ही लड़का भी अपनी बातें शेयर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें आपको पहले ही पता करनी चाहिए कि वह क्या है और क्या नहीं। अक्सर देखा जाता है कि यदि आप दोनों ही बिजनेसमैन हैं, यानी कि आप दोनों ही जॉब करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका अगर तबादला होता है, यानी कि आपकी जॉब का परिवर्तन होता है, तो उस समय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपकी जॉब परिवर्तन होती है तो आपकी वाइफ को या फिर आपके हस्बैंड को ये बात पता होनी चाहिए, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। अक्सर देखा जाता है कि अगर आप अपनी बातें क्लियर नहीं करते हैं तो आगे जाके आपकी लाइफ में, यानी कि मैरिड लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर देखा जाता है कि यदि आपकी शादी की एक साल हो चुका है, एक साल हो जाने के बाद ही आपके आस पड़ोस वाले सभी गुड न्यूज़ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि क्या पता आप गुड न्यूज़ या फिर कोई बच्चा आपके घर में आने वाला हो। लेकिन अगर आप ही दूर दूर रहते हैं, आप कहीं ऑफिस में रहते हैं और आपका तबादला होने की वजह से वो कहीं और ऑफिस में काम करते हैं, तो उसकी वजह से आपको जीवन में बहुत सारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ये बातें पहले ही क्लियर कर लें कि आपको शादी के बाद एक साथ रहना है और एक ही जगह पर रहना है, अगर आपकी नौकरी तबादला वाली है, यानी कि चेंज होती रहती है, तो उसके लिए पहले से ही आप एक दूसरे से बातें शेयर कर लें, ताकि आने वाली ज़िंदगी को आप अच्छे से निभा सकें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अक्सर देखा जाता है कि लड़का लड़की अगर तबादले वाली बात होती है तो वह छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी मैरिड लाइफ में हमेशा मतभेद होते रहते हैं और मतभेद इतने हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाते हैं और वह लड़ाई झगड़े आपके रिश्ते को तोड़ देते हैं या फिर कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह प्यार नहीं रहता जो आपका पहले था। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके प्यार हमेशा बरकरार रहे, तो आप अपनी शादी से पहले ही ये बातें अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ से पहले ही शेयर कर लें। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।